सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको नाभि चालनासन बतलाने जा रहा हूँ। इस आसन को करने के पहले आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लें और खुले स्थान पर कंबल या दरी बिछा करके बैठ जाएं, ढीले ढाले कपड़े पहने। इस आसन को आप प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही। और यह आसन दो स्टेज में किया जाता है। पहले स्टेज में आपको यह करना है कि दोनों अंगूठों को नाभि के भीतर डाल देना और उसको गोल गोल घुमाना है वहाँ पर, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसा पांच पांच बार करेंगे। मैं आपको एक एक बार ही दिखलाऊंगा, लेकिन आपको पांच पांच बार करना है। उसके बाद दूसरा स्टेज है, जिसमें कि आपको नाभि की ताकत से ही सांस को, नाभि को आगे बढ़ाना है, यानी सांस भरना है, फिर सांस छोड़नी है, यानी नाभि को पीछे ले जाना है। जितना पीछे ले जा सकते हैं आपको पीछे ले जाना है, और जब सांस भरेंगे तो जितना आगे ले जा सकते हैं आगे लाएंगे। इस क्रिया को भी आपको 21 बार कम से कम करना है, और आप इसे बढ़ा करके 108 बार तक ले जा सकते हैं। इस आसन को करने का लाभ यह है कि नाभि सक्रिय हो जाती है, सूर्य केंद्र सक्रिय हो जाता है, मणिपूरक चक्र सक्रिय हो जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र पर भी इसका असर होता है। गैस संबंधित जो भी परेशानी है, वायु गोला बनता है, वो खारिज हो जाएगा। आंतों संबंधित कोई परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, चाहे वहाँ पे एप्टिक अल्सर है वो ठीक हो जाएगा। गुर्दे संबंधित कोई परेशानी है वह ठीक हो जाएगी, जैसे कि पथरी है या उसमें पीप भर गया है या पेशाब ठीक से नहीं आता है या पेशाब में ब्लड आता है, तो ये ठीक हो जाएगी। भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है, भूख लगने लगेगी। और जिनका मोटापा हो गया है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मोटापा कम होगा। तो आइए अब देखते हैं कैसे इसे करते हैं। सांस को छोड़ देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद सांस को रोक देंगे। सांस को रोकने के बाद ही इसे घुमाएंगे। पूरा जो है सांस छोड़ेंगे और इस बार उल्टी घुमाएंगे। यह मैंने आपको एक एक बार दिखाया, इसे आपको पांच पांच बार करना है। अगर गैस होगा तो वहाँ पर आवाज़ भी आएगी और दर्द भी होगा। गैस का गोला दूर करने के लिए बहुत अच्छा है यह।
अब इसके बाद जो है इसका दूसरा चरण है जिसमें कि वो आसान है, सांस को भरना है, नाभि को फुलाना, आगे सांस को छोड़ना है, नाभि को भीतर ले जाना है। इस प्रकार से आप इसे करेंगे और इसका लाभ उठाएं। इसे दोनों टाइम कर सकते हैं आप और बहुत आसान है, यह सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। सिर्फ गर्भवती स्त्रियां इसे नहीं कर सकती हैं, इसी का ध्यान रखें। या जिनका ऑपरेशन अगर हुआ है पेट संबंधित तो वे नहीं करेंगे जब तक कि ऑपरेशन भर नहीं गया हो, ऑपरेशन के 1 साल बीत न गए हों तब तक नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें इतना ही।